हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये दही वाले मिर्चों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप ऑयल लिया है, इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें हम कुछ खड़े मसाले क्रैकल करेंगे। बेसिकली मैंने यहाँ पर पचपूड़ा का मसाले लिया है। ये कुछ खड़े मसाले होते हैं जैसे कि सौंफ, कलौंजी, राई, ज़ीरा। इन सारे मसालों को हम अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर पिसा मसाला ऐड कर रहे हैं। इसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक और हल्दी। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पका लेंगे, भून लेंगे। मैं ये सारा कुछ लो फ्लेम पर कर रही हूँ ताकि मेरे मसाले जले ना। तो मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैंने एक कप दही लिया है, उसे अच्छे से फेंट लिया है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। एक कप दही अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। इसमें जितना भी एक्सेस वाटर है उसे ड्राई कर देना है और बहुत ही अच्छे से आपको लो फ्लेम पर इसे पकाना है मिक्स करते हुए। मैंने इसे मिक्स करते हुए पका लिया। इसमें जितना भी एक्सेस वाटर था वो सारा ड्राई हो चुका है और ये मेरा मसाला बनकर रेडी है। इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और फ्लेवर्स बहुत ही अच्छे ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मोटे मिर्च लिए हैं, इसे इस तरह से कट कर दिया है। ये छोटे छोटे पीसेस में कट करा है, आप चाहें तो बड़े पीसेस भी रख सकते हैं लेकिन इसे खाने में बहुत ही ईजी होता है। अब हम इसमें सारे मसालों में मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। अब हम इसे ढक करके 5 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे और ये पककर बहुत ही अच्छे मिर्चों का अचार बनकर रेडी हो चुका है। ये इंस्टेंट मिर्चों का अचार है, देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसे पूरी, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। नॉर्मली डेली खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार इसे ज़रूर बनाइए मेरे कहने पर। आप लोगों को इंशाल्लाह ये बहुत ही पसंद आएगी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही ईजिली बनकर रेडी हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।